कोलकाता में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भारतीय कराटे टीम में शामिल झारखंड के 9 खिलाड़ियों ने अपना उम्दा प्रदर्शन कर कुल 15 पदक भारतीय टीम के खाते में जोड़े, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय कराटे दल में शामिल सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रांची की अंजलि कुमार ने अपने दोनों स्पर्धा काता एवं कुमितो में स्वर्ण पदक जीतकर देश का खाता खोला और देश को गौरवान्वित किया। अंजलि के दोनों स्पर्धा में गोल्ड जीतने से ऐसा लगा जैसे भारतीय टीम के अंदर अलग जोश आ गया हो, और उसके बाद होने वाली बाकी स्पर्धा में भी अन्य महिला खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के पहले दिन अपना उम्दा प्रदर्शन कर पदक पर अपना कब्जा जमाया। उसी दिन देवति कुमार ने भी अपनी दोनों स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष स्पर्धा में खेल रहे कुंदन उराव ने अपने दोनों स्पर्धा पर स्वर्ण पदक जीत कर यह साबित कर दिया कि भारतीय पुरुष खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है। वहीं प्रियंका हेम्ब्रम ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक प्राप्त किया। सुहानी कुमारी ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। उमा शंकर गुप्ता ने 2 रजत पदक जीते। सुदेश कुमार महतो ने एक रजत पदक, राकेश तिर्की ने एक रजत पदक और आयुष सांगा ने एक कांस्य पदक जीता। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकेडमी के अध्यक्ष संसाई अनिल किस्पोटा के नेतृत्व में भाग लिया, जहां खिलाड़ियों ने अपना उम्दा प्रदर्शन करते हुए कुल 15 पदक देश के खाते में जोड़े। विजेता सभी खिलाड़ियों को झारखंड कराटे एसोसिएशन के महासचिव इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकेडमी के तकनीकी निर्देश सुनील किस्पोटा ने बधाई दी। विजेता खिलाड़ियों के रांची पहुंचने पर रांची रेलवे स्टेशन पर शहरवासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की आवाज और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश का खाता खोलने वाली अंजलि कुमारी को एक खुली गाड़ी में बिठाकर पूरे शहर में भ्रमण कराया गया और लोगों ने अलग अलग चौक चौराहे पर फूल और मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। सभी खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर उन्हें उनके घर की ओर विदाई दी गई। झारखंड कराटे एसोसिएशन के महासचिव सुनील किस्पोटा ने शहरवासियों के इस जोरदार स्वागत के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। साथ ही खिलाड़ियों के मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।